टॉपिक है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रेक्शन में होता क्या है? देखो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये होती है कि अगर सपोज करो आपके पास, इमेजिन करो कि ये एक स्क्रीन है और ये स्लिट है, ये स्लिट है, ठीक है, और ये इसका सेंटर का पॉइंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर स्लिट की विड्थ क्या होती है? ए। और कभी कभी कई बुक्स इसको छोटे डी से रिप्रेजेंट भी करती हैं, ये बुक पर डिपेंड करता है, कोई छोटा डी भी बोलता है और कोई ए भी बोलता है। ये भी क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, मुझे क्या निकालना है? सेंटर में जो ब्राइटनेस होगी उसकी विड्थ निकालनी है। तो विड्थ निकलेगी कैसे? उसके लिए काम करना है, आप यहाँ पर ढूंढो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। आपको सेंटर पॉइंट की विड्थ निकालनी है, आप पोजीशन ढूंढो फर्स्ट मिनिमा। जो पैटर्न ऊपर बनता है वही पैटर्न नीचे भी बनता है, तो नीचे भी ढूंढो फर्स्ट मिनिमा। तो मान लो ये फर्स्ट मिनिमा कितने डिस्टेंस पे है? x। तो ऑब्वियसली ये भी कितने डिस्टेंस पे होगा? x। और मिनिमा के बीच में क्या लाई करेगी? ब्राइटनेस। तो टोटल ब्राइटनेस सेंट्रल पॉइंट की क्या आएगी? 2x। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसमें ग्राफ ऐसा बनता है इंटेंसिटी का। ये देखो, ये मिनिमा का पॉइंट है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ऐसे ये ऐसे इंटेंसिटी चलती है इसकी, और हमने ये चौड़ाई निकालनी है इसकी, ये सेंट्रल पॉइंट की मैक्स विड्थ कितनी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मैं सेंटर पॉइंट की विड्थ निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं आपको फर्स्ट मिनिमा की दूरी बता दूँ उसको डबल कर लेना, सेंट्रल पॉइंट की विड्थ आ जाएगी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, इसके अंदर अब क्या करेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या ढूंढेंगे? पॉइंट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो मैंने ये कंडीशन कहाँ से स्टार्ट की? मिनिमा। मिनिमा की कंडीशन क्या थी? ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की जगह क्या पुट करेंगे? वन। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू वन लैम्डा, तो साइन थीटा क्या आएगा? लैम्डा बाई। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? तो अगर हम अपने डायग्राम में जाएं डिफ्रैक्शन के, जो मेन डायग्राम था, तो मेरे को ये पता लगा कि सपोज करो ये सेंटर पॉइंट है और मान लो ये पॉइंट है फर्स्ट मिनिमा का, ये मुझे निकालना है। और मैंने अभी कंडीशन लिख के क्या बताया? साइन थीटा किसके इक्वल आया था अभी? लैम्डा बाय ए, यही आया था ना। एंगल क्योंकि छोटे होते हैं तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू क्या? लैम्डा बाय ए। क्या स्टेप क्लियर है? अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। और ये डिस्टेंस कितना है? कैपिटल डी। ये एक्स और ये डी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टैन थीटा किसके इक्वल है? टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। क्योंकि एंगल छोटे हैं तो टैन थीटा को भी क्या लिखा जा सकता है? सिर्फ थीटा। तो क्या स्टेप क्लियर है? तो टैन थीटा से थीटा आ गया, कंडीशन से साइन थीटा से भी थीटा आ गया, दोनों को इक्वेट करते हैं, लैम्डा बाय ए इज इक्वल टू कितना? एक्स बाय डी। तो एक्स की वैल्यू आ गई लैम्डा डी बाय ए। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे एक्स निकलेगा क्लियर है? हालांकि आपके बुक्स में थोड़ा और तरीके से किया हुआ है, ये मैंने अपने बुकलेट में किया, प्लीज़ इसको ऐसे कर लें जैसे मैंने अभी करके दिखाया, मैं लिखवा देता हूँ। तो ये देखो, आप विड्थ निकाल रहे थे इसमें, आप विड्थ निकाल रहे थे सेंट्रल मैक्सिमा की, तो ये कंडीशन आप ब्रैकेट में लिख लेना, ये कंडीशन किसकी है? मिनिमा। कौन सा मिनिमा? फर्स्ट मिनिमा। लिखते जाएं प्लीज़, इसमें हिंट लिखते जाएं कि कंडीशन किसकी है? फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा से साइन थीटा आ गया, तो अगले स्टेप में लिख लें यहाँ पे, तो एंगल स्मॉल है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा बाय ए। ये लिख लें, लिख लें यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। क्लियर है? और अपने डायग्राम से भी टैन थीटा की जगह हमने क्या लिखा था? एक्स बाई डी। एंगल स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल टू क्या? एक्स बाई डी। ऐसे ये भी लिख लें, ये भी लिख लें। तो चाहे तो इसमें डायग्राम भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लें। ये सेंटर पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये फर्स्ट मिनिमा का पॉइंट है। फर्स्ट मिनिमा के पॉइंट में ये दूरी कितनी है? ये एक्स है। ये कितने हैं? ये डी है। और ये क्या है? एंगल। तो ये डायग्राम भी काम चला देगा आपका, क्योंकि ये डी है, ये एक्स है, तो टैन थीटा एक्स बाई टी। तो ये लिख लिया, एंगल स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई टी। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें थीटा थीटा आ गया, इन्हें इक्वेट कर लें तो लैम्डा बाय ए इज इक्वल टू एक्स बाय डी,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा डी बाय ए। ये स्टेप लिख लें प्लीज, ये स्टेप लिख लें। तो x आ गया इसमें, मैंने किसी और तरीके से किया हुआ इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो एक कंडीशन से आपने थीटा निकालना है, एक टैन थीटा से आपने थीटा निकालना है, दोनों को आपने इक्वेट करना है, एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। तो आपके पास ये देखो, इक्वेट किया, एक्स आ गया। पर आप एक चीज़ नोट करो, आपके पास एक्स आया, ये एक्स क्या चीज़ है, सेंटर पॉइंट से फर्स्ट मिनिमा की दूरी है ये एक्स, ये एक्स फर्स्ट मिनिमा है। तो नीचे से भी क्या आएगा, फर्स्ट मिनिमा, ये भी क्या होगा एक्स, तो इसलिए टोटल विड्थ क्या होगी, टू एक्स। तो प्लीज़ ये फॉर्मूला याद करें, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टू लैम्डा डी बाय ए। तो सेंट्रल पॉइंट की जो ब्राइटनेस है ये इसका फॉर्मूला है। तो कई बुक्स इसको ऐसे भी करती हैं कि ये सेंटर पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट है और ये स्लिट है। मैं नया डायग्राम बना देता हूँ एक मिनट। तो कई बुक्स इसको ऐसे करती हैं कि आपकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये स्लिट है और ये सेंटर पॉइंट है। ये क्या चीज़ है, फर्स्ट मिनिमा, ये क्या चीज़ है, फर्स्ट मिनिमा। मैंने क्या नाम दिया इसको, एक्स और एक्स। तो कई बुक्स इसको नाम देती हैं बीटा एंड बीटा, क्या फ़र्क पड़ता है, एक्स एक्स की जगह बीटा बीटा। तो टोटल विड्थ क्या हो जाएगी, टू बीटा, जैसे मैंने क्या लिखा, टू एक्स। और वो पूरी विड्थ को, इस पूरी विड्थ को नाम देती हैं बीटा नॉट। बीटा नॉट का मतलब, नॉट का मतलब सेंट्रल पॉइंट, तो बीटा नॉट का मतलब टोटल विड्थ। तो बीटा नॉट बुक्स लिखती हैं टू बीटा, पर मैंने क्या लिया, टू एक्स। तो मेरा फॉर्मूला क्या आया, टू लैम्डा डी बाय ए। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो अगर बीटा बीटा नॉट लिखेगा तो आपको समझ में आना चाहिए वो क्या। वैसे मैंने लिखा हुआ है शीट के अंदर भी, अभी आप देखेंगे आगे, मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है शीट के अंदर ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो अगर वो टू एक्स की जगह टू बीटा नॉट यूज़ करेगा बात तो एक ही है, ठीक है। तो विड्थ आ गई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बॉक्स में डालें। इसके बाद आपको किसकी विड्थ निकालनी है, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। आपको यार अभी तो मैक्सिमा की विड्थ निकालनी थी, कौन से मैक्सिमा की निकाली थी, सेंट्रल। सेंट्रल के अलावा मैक्सिमा या मिनिमा के आगे क्या लगा होगा, सेकेंडरी। तो किसकी विड्थ निकालनी है, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ निकालने का क्या तरीका है, एक काम करें, ये स्क्रीन है और ये सेंटर है, आप एक काम करें, आप nth मिनिमा का डिस्टेंस निकाल दें सेंटर से, क्या होगा nth मिनिमा। फिर आप मुझे n माइनस वनth मिनिमा की दूरी बता दें क्या होगा, ये बता दें डिस्टेंस। तो अगर मैं nth में से n माइनस वनth मिनिमा को माइनस करूंगा तो मेरे पास रास्ते इस बीच में क्या आएगा, मैक्सिमा। और ये कौन सा मैक्सिमा होगा, तो ये विड्थ आ जाएगी सेकेंडरी मैक्सिमा की, YDSC की तरह ही। तो आप अगर किसी सेंटर के अलावा किसी और मैक्सिमा की विड्थ निकालना चाहते हो तो आप nth मैक्सिमा nth मिनिमा निकाल लो, n माइनस वनth मिनिमा निकाल लो, दोनों को माइनस करो तो विड्थ किसकी आ जाएगी, मैक्सिमा की। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो हम यही करते हैं चलो। तो जब मैं विड्थ किसकी निकालूंगा, मैक्सिमा की, तो मैं अपनी कंडीशन कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मिनिमा की। तो लिख लेना ब्रैकेट में, ये कंडीशन किसकी है, nth मिनिमा की। क्लियर है यहाँ तक, तो nth मिनिमा की ये कंडीशन है। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया, n लैम्डा बाय a। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, साइन थीटा आ गया। और उसी ट्राइंगल में जो ऊपर देखा था, टैन थीटा क्या आया था, x बाय डी। इस बार x पता है क्या है, इस बार ये x है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर किसका, nth मिनिमा का। तो इसमें ये x क्या चीज़ है, nth मिनिमा का डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली एंगल थीटा बनेगा, तो tan थीटा क्या बनेगा, x अपॉन टी। और एंगल छोटे हैं तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, x बाय डी। तो ये थीटा आ गया, और यहाँ से भी एक लाइन लिख लेना, साइन थीटा में एंगल छोटा है तो थीटा को क्या लिखेंगे, n लैम्डा बाय ए। तो यहाँ से साइन थीटा से थीटा आ गया, यहाँ से tan थीटा से थीटा आ गया, दोनों को इक्वेट कर दें, n लैम्डा बाय ए इज इक्वल टू कितना,
एक्स बाई डी। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो लिख लें स्टेप, तो पहले ये लिख लें साइन, ये मिनिमा की कंडीशन लिख लें, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख लें और एक थीटा एक्स बाई डी लिख लें, दोनों थीटा थीटा को इक्वेट कर लें, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है यहां तक? ठीक है, तो यही किया हुआ, ये देखो, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, एक्स आ गया। ये एक्स क्या आया, कहां से आया डिस्टेंस, सेंटर से, किसका आया, एनथ मिनिमा का, क्योंकि कंडीशन किसकी चल रही है, मिनिमा की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बॉक्स में डालो, ये फॉर्मूला है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ एनथ मिनिमा फ्रॉम सेंटर। लिख लो, दिस इज द डिस्टेंस टू फाइंड एनथ मिनिमा फ्रॉम सेंटर। ठीक है यहां तक? ठीक, तो क्वेश्चन आएंगे कि आप डिस्टेंस निकालो फिफ्थ मिनिमा का, तो एन की जगह फाइव, सेवंथ मिनिमा का एन की जगह सेवन। तो ये फॉर्मूला वाईडीएससी की तरह काम आएगा टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ एनथ मिनिमा, तो फॉर्मूला की लिस्ट में ही ऐड होगा। तो एन लैम्डा डी बाई ए, क्लियर है यहां तक? अब ये डिस्टेंस किसका, मिनिमा का। अब लिखो इसके ऊपर, क्या हमने विड्थ किसकी निकालनी है, फ्रिंज विड्थ किसकी निकालनी है, सेकेंडरी मैक्सिमा की। तो ये विड्थ किसकी है, सेकेंडरी मैक्सिमा की। ये डिस्टेंस किसका है, एनथ मिनिमा का। ये डिस्टेंस कितना है, एन माइनस वनथ मिनिमा का। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। विड्थ निकलेगी मैक्सिमा की और दो डिस्टेंस माइनस होंगे किसके, मिनिमा के। ठीक है, तो एनथ मिनिमा का डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं और एन माइनस वनथ के लिए रिप्लेस एन विद एन माइनस वन, इन्हें माइनस करेंगे तो विड्थ का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला में नोट कर लो लैम्डा डी बाई स्मॉल ए, वैसे वाई डी सी वाला सेम फॉर्मूला है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी की जगह स्मॉल ए। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे इसकी विड्थ निकलेगी, विड्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो एक्स निकालने का फॉर्मूला है मिनिमा का। ठीक है यहां तक, क्लियर है? अब मुझे किसकी विड्थ निकालनी है, सेकेंडरी मिनिमा की। तो अगर मुझे सेकेंडरी मिनिमा का मतलब है सेंटर पॉइंट को छोड़ के सारे मिनिमा सेकेंडरी तो हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये सेंटर पॉइंट है, मैं इसके अंदर एनथ क्या ढूंढूंगा, मैक्सिमा, एनथ मैक्सिमा का डिस्टेंस ढूंढूंगा, फिर मैं क्या ढूंढूंगा, एन माइनस वनथ मैक्सिमा का डिस्टेंस ढूंढूंगा, और फिर मैं इन दोनों डिस्टेंस को क्या करूंगा, माइनस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मिनिमा की विड्थ आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, एनथ मैक्सिमा। तो क्या करेंगे, क्योंकि विड्थ किसकी निकालनी है, मिनिमा की, तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो ये एनथ मैक्सिमा की कंडीशन है, लिख लो ब्रैकेट में। तो कंडीशन किसकी है, एनथ मैक्सिमा। विड्थ जबकि किसकी निकल रही है, मिनिमा, पॉइंट डिस्टेंस किसका निकलेगा, मैक्सिमा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन थीटा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे यहां पर, थीटा। साइन थीटा की जगह थीटा, तो 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2a, ये थीटा आ गया। लेकिन आपको याद होगा सेंटर पॉइंट है, पी पॉइंट है, डी डिस्टेंस है, थीटा एंगल है, और सपोज ये डिस्टेंस है एनथ मैक्सिमा का, और सपोज ये डिस्टेंस कितना है, एक्स डैश। तो यहां पर टैन थीटा किसके इक्वल आएगा, एक्स डैश बाय डी, एंगल स्मॉल है तो लिख लेना एक्स डैश बाय डी। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा दोनों को इक्वेट कर लें, लिख लेना इस साइड पे, ये भी थीटा और ये भी थीटा दोनों को इक्वेट करके एक्स डैश आएगा। ठीक है, वो स्टेप तो कॉमन है ना, वो वाला टैन थीटा वाला, तो ये कंडीशन चेंज होती है। तो यहां से मैंने कंडीशन किसकी यूज की, मैक्सिमा की। मैक्सिमा की कंडीशन से मैं क्या निकालना चाहता हूं, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा, ताकि दो मैक्सिमा के डिस्टेंस को माइनस करके मैं मिनिमा ढूंढ सकूं। तो यहां से मैक्सिमा की कंडीशन यूज करके साइन थीटा से थीटा,
थीटा दो तरीके से आ गया, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, जब दोनों को इक्वेट करेंगे इक्वेट करके एक्स डैश आ गया, तो नया फॉर्मूला बन गया, बॉक्स में डालो प्लीज ये फॉर्मूला, तो लिख लो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ एनथ मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर, तो ये फॉर्मूला है, जैसे क्वेश्चन आएगा फिफ्थ मैक्सिमा का डिस्टेंस बताओ सेंटर से क्या होगा, तो एन की जगह फाइव, सेवन्थ मैक्सिमा का डिस्टेंस बताओ एन की जगह सेवन, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा, सही है, तो ऑनलाइन भी क्लियर है? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे फिर लिख लो इंपॉर्टेंट क्या, अब मैं विड्थ किसकी निकाल रहा हूं बताओ, मिनिमा की, मिनिमा की रादर सेकेंडरी मिनिमा की, वैसे मिनिमा सारे सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी होता है ही नहीं, प्राइमरी हमेशा सेंटर पॉइंट होता है, तो ये डिस्टेंस किसका लूंगा मैं, एनथ मैक्सिमा, और ये डिस्टेंस क्या लूंगा, एन माइनस वनथ मैक्सिमा, ये लो, क्लियर है यहां तक, तो एनथ मैक्सिमा का ये डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं, एन की जगह एन माइनस वन रिप्लेस कर दो तो ये क्या आ गया, एन माइनस वनथ मैक्सिमा आ गया, दोनों को जब माइनस करेंगे तो बीटा एग्जैक्टली फिर से सेम आ गया, चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमा बीटा सेम है, लैम्डा डी बाय, ठीक है,